बिसम अस्सलाम अलैक्म क्या हाल है आप सबके उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे ख़ूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे और आप हमारे पास भी इन्जॉयमेंट का लेवल देख ही लीजिए कि क्या है अगर आप लोग भी मेरी तरह उर्दू नावल किताबें या कहानियाँ पढ़ने के शौक़ीन हैं तो आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझ आएगी क्या हद निगाह तक चांदी की तरह सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी है ना ऐसी बातें लिखते हैं ना हमारे राइटर्स तो बस ऐसा ही लग रहा है क्योंकि इतनी रात में मेरा ख़्याल है कोई वॉक कर नहीं रहा इतना एक्सट्रीम वेदर है तो बिल्कुल स्मूथ तह बिछी हुई है बर्फ़ की कोई पाँव के निशान नहीं है तो जी ये थी हमारी रात और अब होती है हमारी सुबह और सुबह सुबह अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया और आप हमारे काम देखिए मुझे बहुत शौक़ है कि नाश्ता करने से पहले ही जो है ना वो थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए इस चने की दाल को मुझे जरा ज्यादा भिगोना था कम से कम घंटे तो इसलिए मैंने इसको नाश्ते से पहले ही भिगो दिया और जी नाश्ता करने के बाद जो है वो थोड़े से अपने काम वाम समेटे और दोबारा किचन में आ गए और किचन में आके मैंने धोए चावल और चावलों को भिगो दिया थोड़ी देर भिगोने के बाद मैं इनको उबलने के लिए रख दूंगी और यहाँ पे मैंने धोई है दाल दो दालें मिक्स हैं ये मूंग और मसूर की इनको भी मैं थोड़ी देर के लिए भिगो दूँगी वैसे यहाँ की दालें जो है ना वो बड़ी ही मुलायम होती हैं बहुत देर इन्हें भिगोने की ज़रूरत होती नहीं है पर शौक का कोई मोल नहीं भिगो लीजिए थोड़ी देर और जी बाहर का मंज़र देखिए आज का दिन जो है वो स्कूल ऑफ था रात को ही रात को तो नहीं सुबह छः बजे जो है वो ईमेल आ गई थी कि आज जो है वो बच्चे स्कूल ना ही आए तो अच्छा है और हमने भी शुक्राने के नफिल पढ़े कि हमें भी छोड़ने नहीं जाना तो जी यहाँ पक रही है दाल दाल को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया उसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा डाल दिया बस बेसिक कुछ और नहीं डाला ये सब डाल के जो है वो मैं दाल को उबलने के लिए रख दूँगी और अगर आप चाहें तो उसको प्रेशर कुकर के बगैर भी डाल सकते हैं ये टमाटर प्याज जो है वो ऑमलेट में से बचा हुआ था इसलिए मैंने डाल दिया वरना यूजली मैं दाल में ये दोनों चीज़ें नहीं शामिल करती हूँ तो जी बस वहाँ पे हमारी दाल को प्रेशर लग रहा है यहाँ हमारे चावल बॉईल हो गए और दम पे चले गए तो हम अपने दाल और चावल पका के जो है वो मिनटों सेकंडों में फारिग हो गए मुझे ये बताइए दाल चावल पकाने में टाइम लगता ही कितना है बहुत ज़्यादा नहीं लगता आई थिंक सबसे आसान खाना होता है तो बस ये दाल का प्रेशर खोला हमने और उसमें थोड़ी देर के लिए विस्क चला दिया तो दालें जो हैं वो आपस में क्या कहना चाहिए घुल मिल गई कुछ नहीं पता चल रहा था कि मसूर कहाँ गई और मूंग कहाँ गई बस दाल की कंसिस्टेंसी चेक करें और यहाँ पे आपने मिर्चें ज़ीरा लहसुन और कड़ी पत्ता से बघाड़ दें मेरी तरफ़ से आप इसको टिप समझ लें या क्या बहरहाल मैं इस तरह से करती हूँ कि खाना पकाने के बाद ऐसे कंटेनर्स में निकाल लेती हूँ जिसमें आप इन्हें सर्व भी कर सकते हैं और बाद में इसको ठंडा होने पर ढक्कन लगाएं और रेफ्रिजरेट कर दीजिए इस तरह से ये होता है कि देगचियाँ ज़रा जल्दी फारिग हो जाती हैं और आप अपने बर्तन धो के जल्दी फ्री हो जाते हैं और अगर वो बर्तन आपने नहीं धोने किसी और ने धोने तो, तो डबल खुशी की बात है है ना तो खैर मैंने तो खुद ही धोने थे तो मैं धो धुला के फारे हो गई और हमारी औलादें आईं और उन्होंने आके कहा कि अम्मा दाल चावल के साथ हम खाएंगे स्टेक स्टेक मुझे ना बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो मुझे नहीं पकानी होती जिस तरह से स्टेक ये लोग बनाना पसंद करते हैं ना वैसे स्टेक मुझे तो नहीं आती भाई मैं तो इतना पकाती हूँ इतना पकाती हूँ बीफ को कि जब तक वो हाथ जोड़ के खड़ा ना हो जाए और कह के, के बाजी मैं पक गया अल्लाह के वास्ते छोड़ दो मुझे मेरे बच्चे तो रखते हैं इसके ऊपर थर्मोमीटर टम्परेचर चेक करते हैं जी इंटरनल टम्परेचर इतना हो गया है सिर्फ नमक काली मिर्च लगाएं एक साइड से इतनी देर पकाएं एक साइड से इतनी देर पकाएं तो मैंने कहा भाई खुद ही कर लो जिसको ये काम करना है वैसे इसकी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैंने बना के शेयर की थी इस वक्त भी मेरा बेटा ही बना रहा है ये स्टेक और उस वक्त भी उसी ने बनाई थी तो अगर आपको भी शौक है मज़ेदार जूसी स्टेक खाने का तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी मैं हर एक को ये सजेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं उनको पता होना चाहिए कि उनकी लॉन्ड्री कैसे होती है कोई बेसिक एक आध चीज़ जो उन्हें खाने में अच्छी लगती है वो कैसे पकाई जाती है ताकि वो हर वक्त जो है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और उन्हें ख़ुद भी कुछ करना आए ठीक है ना तो अपने बच्चों को ज़रूर इंडिपेंडेंट बनाइए उन्हें अपने बेड कवर चेंज करने की आदत डालिए उन्हें पता हो कि पिलो कवर कैसे चेंज होता है कपड़े कैसे आयरन होते हैं कपड़ों को धोते हैं तो कहाँ पे कौन सी जगह पे रखते हैं अगर आप अच्छी खातून खाना है तो डेफ़िनेटली आपके घर में हर चीज़ का अपना एक घर होगा यानी कि हर चीज़ की अपनी एक जगह होगी तो अगर आपने वो सब जगह बनाई हुई हैं तो डेफ़िनेटली आपके बच्चे जो हैं वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और अगर नहीं बनाई हुई हैं तो आप बना लें आप अपने बॉस खुद हैं अपना काम आप जब दिल चाहे कर सकते हैं है ना और जी यहाँ पर हो रही है हमारे घर के बाहर बर्फ़ की सफ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे नहीं करनी पड़ती और जी कम्युनिटी टैब पे जिस जिसने कहा था दाल का हलवा बन रहा है उसे मुबारक हो कि उसने बिल्कुल सही कहा था और जिन्होंने कहा था कुछ पीला बन रहा है मुझे इतनी हंसी आई हाँ वाकई कुछ पीला तो बन रहा है बस है दाल का हलवा और जी अब दाल को हम पानी में उबलने के लिए रख देंगे और पानी सिर्फ इतना डालेंगे कि दाल जो है वो तकरीबन एटी या एटी तक गल जाए ठीक है ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है एक किलो दाल है मैं पूरी की पूरी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी जैसे ही दाल एटी परसेंट गल गई उसके अंदर मैंने एबरेटेड मिल्क का एक कैन डाल दिया देख लीजिए भाई लोग क्या करते हैं एक किलो दाल है तो उसके अंदर एक किलो दूध डालेंगे और उसके बाद जो है वो दाल के सर पे ही खड़े रहेंगे क्यों क्योंकि नीचे से जो है ना दूध लगना शुरू हो जाता है तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि दाल भी कच्ची रहे और दूध भी नीचे से चिपकता रहे और आप भी एक घंटा खड़े रहें अभी खड़े रहने के लिए बहुत टाइम है तो आपने दाल को पानी डाल के उसे अच्छी तरह से गला लेना है और बिल्कुल एंड में इसमें एक पूरा टेन एवेबरेटेड मिल्क डालना है हल्की आंच पे रखिए साथ में खड़े रहिए थोड़ा थोड़ा सा हिला दीजिए ये आराम से जो है वो गल जाएगी और जी उसके बाद जो है वो आपने इसको पीस लेना है अच्छा इतनी सारी रेसिपीज़ में लोग कहते हैं बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल खुश दाल होनी चाहिए वरना भुनाई करने में मसला होता है फलाना होता है हाँ भाई ठीक है अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा भुनाई करनी पड़ेगी तो कोई बात नहीं लेकिन दाल को ना अच्छा पीस लीजिए ये ज़रूरी है अगर आप चाहें तो दाल को बहुत ग्रेनी भी रख सकते हैं लेकिन मैंने फ़ाइन पीसा था अब मैं ये बना रही हूँ हलवा ऑयल में और इस पर मैं डालूँगी थोड़ा सा बटर अगर आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं लेकिन ऑयल में भी सही बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ घी में बनाएं अनलेस कि आपको बहुत शौक़ है घी में बनाने का ठीक है और यहाँ पे जो है वो पिसी हुई दाल मैंने घी में डाल दी लेकिन मेरा बर्तन छोटा था तो फिर मैंने अपना बड़ा वाला देगचा निकाला और इसमें आसानी होती है कि आप आराम से जो है ना वो लोहे का चम्मच भी चला सकते हैं तो फिर मैंने जो है वो इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो आप भी एक बड़ा बर्तन लीजिए चने की दाल का हलवा बनाने के लिए एक बात मैं बता दूँ एक पाव आधा किलो बिल्कुल मत बनाइएगा कम से कम एक किलो चने की दाल का हलवा बनाएं क्योंकि इसमें इतनी मेहनत होती है कि इतना सा हलवा बनाना बेकार है और अगर आप ज़्यादा पका भी लेंगे तो कोई बात नहीं आप अपने दोस्तों में अपने प्यारों में अपने रिश्तेदारों में तकसीम कीजिए लोग बहुत खुश होंगे अच्छा जी दाल की भुनाई की ना तीन स्टेजेस होती हैं अब ये पहली स्टेज आप देख रहे हैं जिसमें आपने तेल में पिसी हुई दाल डाली है और उसके बाद आप इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आसानी से नहीं चल रही है। ये काफ़ी सख्त है ठीक है वो तेल में जाते ही जो है वो हार्ड हो जाती है जब आप चलाते हैं तो आपको लगता है कि आपके बाजू को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है तो मीडियम टू लो फ्लेम रखें और इसको आपने चलाते रहना है तो पहली स्टेज तो ये है कि कम से कम 10 से 12 मिनट जो है ये इस तरह से हार्ड रहेगी साथ में जो है वो मैंने इलायची को चीनी के साथ कूट लिया है आप चाहें तो सिर्फ़ इलायची के दाने पीस लीजिए बादलों को छिलके नहीं अच्छे लगते तो आप छिलके निकाल भी सकते हैं और दूसरे स्टेज पे आ जाते हैं अब दूसरी स्टेज वो होती है कि जिसमें दाल अचानक से बहुत स्मूथ हो जाती है ऐसे आराम से घूम रहा होता है उसमें चम्मच कि आप हैरान हो जाते हैं कि भाई ये अचानक से दाल को क्या हुआ तो ये देख लीजिए ये वो वाली स्टेज है इसमें भी आपको पाँच से दस मिनट लगेंगे और उसके साथ आपको कोई बादाम पिस्ते कोई भी चीज़ आपने इसमें डालनी है तो उसको कूट के रख लें मैंने थोड़े से बादाम है उनको मोटा मोटा सा पीस लिया है यहाँ पर आ गई दाल की तीसरी स्टेज इसमें दाल ऐसे लगेगी कि ये बिल्कुल भी वेलवेट जैसी नहीं है बिल्कुल स्मूथ नहीं है बल्कि ये फटी फटी सी है ये सेपरेट हो रही है ये एक बड़ा सा गोला नहीं बना रही आप देख रहे हैं जब आप इसमें चम्मच चला रहे हैं तो ये अलग अलग हो रही है और दाल की इतनी प्यारी खुशबू आने लगे कि आपके घर में कि आप हैरान हो जाएंगे अच्छा इस स्टेज पे बहुत सारे लोग यहाँ पे चीनी डाल देते हैं और भुनाई को कंटिन्यू रखते हैं पर मैंने इसको थोड़ा सा इस दफ़ा डिफरेंट बनाया है मैंने ये सारा जो दाल का बुनाईशुदा मसाला है बुनाईशुदा क्या प्यारी बात की मैंने भुना हुआ मसाला है ये मैंने निकाल लिया है बाहर और सेम देगची में जो है वो मैंने डाल दिया है आधा कप पानी उसमें मैंने एक किलो चीनी डाली है अगर एक किलो दाल है तो एक किलो चीनी ही डलेगी अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं पर नॉर्मल प्रोपोर्शन ऐसे ही चलता है जितनी दाल उतनी चीनी यहाँ पे मेरे पास पिसा हुआ खोपरा इलायची जो मैंने पीसी थी चीनी के साथ वो और थोड़ा सा बटर और थोड़े से बादाम इस स्टेज पर आप शामिल कर लें कोई और नट्स जो आपको पसंद हैं आप डालें चाहें तो आप इसमें पिस्ते डाल सकते हैं काजू डाल सकते हैं ठीक है ना जो आपको पसंद है किशमिश डाल सकते हैं जो आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं मैंने सिर्फ इसमें बादाम डाले हैं और थोड़ा सा मैं इसमें फ़ूड कलर डाल रही हूँ यह आपकी चॉइस है अगर आप इसको थोड़ा सा एक डार्क सा कलर देना चाहते हैं मैंने औरेंज फ़ूड कलर डाला है बहुत थोड़ा आपके सामने मैंने डाला है बहुत थोड़ा अब मैं शीरे को पकाऊगी अब इसको इतना पकाऊँगी मैं कि ये तकरीबन एक तार का बन जाए ठीक है क्योंकि मैं इसकी जो है वो बर्फ़ी की शेप का जो हलवा काटते हैं आप बिल्कुल वैसा हलवा जमाना चाहती हूँ तो अभी आप देख लीजिए कि कोई तार नहीं बन रहा है ठीक है लेकिन गाढ़ा होना शुरू हो गया है तो अभी ये थोड़ी देर तक पकता रहेगा हलवा और बड़ा आसान होता है तार को देखना अगर आपको सख्त वाली टुकड़ियों वाला हलवा चाहिए जिसमें बिल्कुल सख्त हो जाती हैं तो आप इसको दो तार का शीरा बनाएंगे लेकिन अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने कितना शीरे को पतला रखा था ये देखें अब चम्मच पे से ना बस आपको एक लुक्स आएगा कि एक तार सी फॉर्म हो रही है एग्जैक्ट नहीं बन रही बस हो रही है क्योंकि मैं हलवे को सख्त नहीं करना चाहती थी मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखना चाहती थी देखा आपने तो बस इतना ही मैंने इसको पकाया है यानी पाँच से सात मिनट फुल फ्लेम पे मैंने चीनी को पानी के साथ पकाया इससे ज़्यादा नहीं चीनी घुल गई है कलर डाल दिया उसके अंदर उसे अच्छी तरह से पका लिया जितनी कंसिस्टेंसी का शीरा आपको रखना है आप रख लीजिए मुझे चूंकि नरम वाली कतलियाँ जमानी हैं तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया अगर आपको सख्त वाली कतलियाँ जमानी हैं तो आप इसे दो तार का शीरा बना सकते हैं अब आप जब इसमें दाल डालेंगे तो इसको आपने चलाते रहना है उसमें चीनी का शीरा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि गुठलियाँ पड़ रही हैं या ये हो रहा है कुछ भी नहीं होगा फ्लेम हाई रखें और तेज तेज हाथ चलाते रहे अभी देखिएगा ये यकजान हो जाएगा यहां तक का काम तो किया था मैंने अब इसके बाद आपको हाथ चेंज होते हुए नजर आएंगे क्योंकि बस भाई मैं तो थक गई पहले दाल की बुनाई फिर चीनी डाल के आप सोच सकते हैं कि इतनी बुनाई और अभी तो बहुत आसान है इसमें चलाना क्योंकि ये काफ़ी इस वक्त पतला है आपको नज़र ही आ रहा है कि इसमें चम्मच चलाना जो है वो आसान है छोड़िएगा मत क्योंकि ये नीचे से लग जाता है उसके बाद अब आप देखते जाइएगा कि हाथ चेंज हो रहे हैं मैंने अपने हज़रत को भी पकड़ा मैंने अपने वली अहद को भी पकड़ा कि भाई कोई हेल्प करो भाई तो फिर बेचारों ने ना इस चक्कर में कि हमारी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी तो खूब जोर लगाए और बाकी की सारी बुनाई जो है वो उन्होंने की है अगर आपके पास कोई हेल्प मौजूद है ना तो डेफ़िनेटली उसको पकड़ के रखें किसी बच्चे को ब्राइब करके रखें या अपने मियाँ को भाई को किसी को भी घेरें और ये बुनाई का काम उनसे करवाएँ अब इस वक्त जो है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और इसमें चम्मच फेरना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और बाहर के आप हालात वाक़ देख लीजिए कि किस तरह से जो है वो बर्फ़ की सफ़ाई की जा रही है सड़कों का कोई हाल नहीं है भाई बाहर निकलने वाला कोई मौसम नहीं है और मैंने सुना है कि ये मौसम अगले एक महीने ऐसा ही रहेगा तो चलें अल्लाह ताला मददगार हो और जी बस ये देख लीजिए कि मीडियम फ्लेम पे भून भून के भून भून के उसका पानी खुश्क हो गया है और ऐसा लग रहा है कि वो इकट्ठा हो रहा है तो बस अब इसे उस वक्त तक हमने भूनना है जब तक ये साइड ही नहीं छोड़ने लगे और जब इसमें चम्मच घुमाए ना तो ये सारा हलवा एक साथ जुड़ के एक बॉल की तरह घूमना स्टार्ट हो जाए जब ये वाली स्टेज आ जाएगी ना तो आपका हलवा तैयार है जो लोग बहुत ज़्यादा तेल या घी डालते हैं ना उनके हलवे की साइड में से तेल और घी भी नज़र आना शुरू हो जाता है लेकिन मैंने आप लोगों के सामने इसमें कोई आधा किलो दो किलो घी नहीं डाला हुआ तो इस वजह से इसमें से बहुत सारा तेल नहीं निकलेगा लेकिन आपको अब इसकी सिचुएशन देख के पता चल रहा है कि चम्मच हिलाते हैं ये साथ साथ घूमता है ठीक है जी आपका हलवा तैयार है और मैंने आ, बटर पेपर लगा दिया था उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था अब हलवे को आप अच्छी तरह से जो है वो फ़्लैट कर लें इसके ऊपर आपने जो नट्स लगाने हैं जो भी चीज़ लगानी है वो आप लगा के उसको फ़्लैट करके उसको काट के आ, बहुत अच्छी सी टुकड़ियों के फॉर्म में जमा सकते हैं चूँकि आपने इसका पतला शीरा बनाया था तो ये बिल्कुल भी सख्त वाली कतलियाँ नहीं बनेंगी बल्कि बड़ी अच्छी वाली कतलियाँ बनेंगी जैसा कि अब आप सब लोग भी इस राज में शरीक हैं कि मैं बहुत पुअर थी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो वहाँ पे ज़ीराक्स की शॉप होती थी वहाँ गए ना तो वहाँ डालडा के दस्तरखान की ज़ीराक्स कापियाँ मिल रही थी और मेरी दोस्तें बड़े शौक़ से उसे खरीद रही थी पता नहीं हंड्रेड रुपीज़ की थी और ओरिजिनल प्राइस शायद उसकी तीन सौ साढ़े तीन सौ थी तो मैंने भी ख़रीद ली अब जब मैं घर लेकर आई तो अम्मा ने तो मेरा उड़ाया मजाक किया बीबी ये तुम लेकर आ गई तुम्हें तो कोई काम आता नहीं करना लेकिन मेरे वालिद साहब जो है ना उन्होंने बड़ा इन्जॉय किया उसको बुक को पूरा पढ़ा और आखिरी तरकीब थी चने की दाल का हलवा मेरा ख़्याल है ज़ुबैदा तारिक की तरकीब थी कहने लगे बेटा ये बनाते हैं पूरा सामान लेकर आ गए और अम्मी को बिल्कुल नहीं हमने शामिल होने दिया दाल भिगोई और उबाली और सारा काम मैंने और डैडी ने मिल किया बे ऑबसली आप समझ ही सकते हैं पीछे पीछे अम्मी भी थी जो समझा रही थी कि ये करना है और ये नहीं करना लेकिन ये कि जब भुनाई का, का काम आया ना तो पूरा का पूरा मेरे वाले साहब ने किया तो जब भी ये हलवा मैं बनाती हूँ ना तो मुझे अपने वाले साहब की बहुत याद आती है तो अल्लाह ताला उनकी मगफिलत फरमाएँ कि बाप जो है ना वो बेटियों के साथ इस तरह के काम करते हैं उन्हें अप्रिशिएट करते हैं तो सारी उम्र ये चीज़ याद रहती है तो खैर जी हलवा बड़ा अच्छा बन गया था उसमें तो कोई पाउडर्ड मिल्क भी डलना था और बड़ा ज़बरदस्त वो हलवा बना और उस ज़माने में हमें तो हलवा खाने का शौक़ नहीं था तो दोनों मियाँ बीवी ने ही बहुत मज़े ले ले कर खाया उस हलवे को <laughs> उसके बाद डैडी ने मुझसे तीन दफ़ा और वो हलवा बनवाया तो बस मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आज हलवा बन रहा है तो बताऊँ कि जब दाल भी नहीं पकानी आती थी ना मैंने तब दाल का हलवा पकाया था और जी लास्ट व्लॉग में मैंने दो सितारों का जिक्र किया था जिसके बारे में मेरे हज़रत ने मुझे कहा कि बड़ी भी ये सितारे नहीं हैं ये सैारे हैं और मुझे इस्लामाबाद से किसी सिस्टर ने मैसेज किया मैं उनका नाम भूल गई हूँ आई एम सॉरी उन्होंने भी बताया कि ये दो सारे हैं वो हैं जहराबाजी और मुशतरीबाजी यानी कि जुपिटर और वीनस साल के एक टाइम में ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं उसको कहते हैं कंजंक्शन लेकिन बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि वो इतने करीब आए और फ़र्स्ट मार्च को वो बहुत ज़्यादा करीब होंगे तो आप लोग भी जहाँ रहते हैं वहाँ से रात में बाहर अगर देखेंगे तो आपको भी वो दोनों नज़र आएंगे तो मेरी तरफ से आप अपनी जोहरा और मुश्तरीबाजी को वेव कीजिएगा यहाँ से मैं उनको हाथ हिला दूँगी क्या हाल है आप लोगों का तो जी अगर आज की रेसिपी और आज की वीडियो पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है प्लीज़ जो जो इंस्टाग्राम पे ज़रूर वहाँ पे फॉलो करें वहाँ पे मैसेजेस का जवाब देना बहुत आसान होता है और दूसरों को आसानियाँ दीजिए अल्लाह ताली आपको आसानी देंगे देखिए जैसे कि हलवा बनाने में मुझे लोगों ने आसानी दी तो अब वो सारे लोग जो हैं वो बड़े आराम से बैठ के मज़े से हलवा खा रहे हैं है ना तो फिर आप लोग भी मज़ेदार हलवा बनाइए इन्जॉय कीजिए मुझे में याद रखें फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में तब तक के लिए हलाफ़